तो यहाँ पे मैंने लिया है, ये फूल गोभी है। आजकल मार्केट में गोभी बहुत सस्ते में मिल रही है, और मैंने यहाँ पे क्या किया, देखिए गोभी है, गोभी के डंडलों को इस तरीके से देखिए काट के रखा हुआ था मैंने पहले से ही। ये देखिए, हमें हर किसी भी प्रकार के डंडल को नहीं लेना है, बस इस तरीके से जो बिल्कुल सॉफ्ट हो इस तरीके से हमें डंडल को लेना है। और आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ ये गोभी के डंडलों की सब्ज़ी, और ये गोभी के डंडल की सब्ज़ी किस तरीके से बनेगी और इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट मिलेंगे, ये आप आगे वीडियो में ज़रूर देखें और वीडियो में ऐसे ही बने रहें। सबसे पहले हमें क्या करना है, और देखिए एकदम सॉफ्ट तरीके से, देखिए काटने में देखिए चाकू से कितने आसानी से इस तरीके से कट रहे, देखिए एकदम सॉफ्ट वाले, जो सॉफ्ट वाले डंडल होते हैं ना वो वाले डंडल लेना है हमें, सख्त वाले नहीं लेना है, इतने सॉफ्ट तरीके से लेना है। और इस तरीके से हमें इन्हें बारीक बारीक कट कर लेना है। और अब क्या करना है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गुनगुना पानी करके रखा हुआ है, यहाँ पर मैंने पहले से ही गुनगुना पानी करके रखा हुआ है, और गुनगुने पानी में हमें क्या करना है, इन्हें वॉश कर लेना है। ये देखिए एकदम साफ तरीके से हमें इन्हें वॉश कर लेना है। और यहाँ पे मैंने ये कढ़ाई में मैंने यहाँ पे पहले से ही गर्म पानी करके रखा हुआ है, और ये पानी मैंने इसलिए उबाल रखा है कि हमें क्या करना है, यहाँ पे इन्हें थोड़ा सा हल्का सा उबाल लेना है। और साथ में हमें क्या करना है, यहाँ पे इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लेना है। ये देखिए पानी हमारा पहले से ही बॉयल था, तो हमें क्या करना है, बस 2 मिनट के लिए इसे ढक के रखना है। 2 से 3 मिनट हो गए, और 3 मिनट में देखिए हमारा जो डंडल है वो अच्छे से बाउल हो गया, बस हमें इतना ही इन्हें हल्का सा बाउल करना है। और 2 से 3 मिनट में देखिए ये अच्छे से बाउल हो गए। और यहाँ पर मैंने लिए लोहे की कढ़ाई, और आप यहाँ पे किसी प्रकार से भी पैन ले सकते हैं। मैं यहाँ पे लोहे की कढ़ाई में इसलिए बना रहा हूँ कि इससे क्या है कि जो हमारी सब्ज़ी बनेगी वो बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनेगी, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में आयरन होता है। और देखिए कढ़ाई हमारा गर्म हो गया, और मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ ये छोटे वाले स्पून से 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल है, कि ये जो हमारी डंडल की सब्ज़ी है इस सरसों के तेल में बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनेगी। आप चाहें तो इसे घी में या रिफाइंड में भी बना सकते हैं, लेकिन सरसों के ऑयल में ये एकदम परफेक्ट और लाजवाब तरीके से बनेगा। और साथ में यहाँ पर लोहे की कढ़ाई है, लोहे की कढ़ाई में बहुत आयरन होता है, और जो हमारी डंडल की सब्ज़ी बनेगी एकदम परफेक्ट और लाजवाब। पहले मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ ये शाही जीरा है, 1/2 स्पून शाही जीरा, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, और थोड़ा सा अदरक, और अदरक को थोड़ा हल्का सा ही फ्राई करना, टमाटर, और इसमें करेंगे नमक, ये मैं यहाँ पे काला वाला नमक ऐड कर रहा हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे सिंपल वाला नमक भी ऐड कर सकते हैं स्वादानुसार नमक। और देखिए टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए, और अब ऐड करेंगे मसाले। मसाले आपको यहाँ पर जो पसंद है, आपके पास में जो भी अवेलेबल है, आपको जो मसाले यहाँ पे पसंद है मसाले आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। धनिया पाउडर 2 चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी, चटपटा स्पाइसी बनाने के लिए ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है 1/2 स्पून लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च काट के रखा है, हरी मिर्च, और ये 1/2 स्पून मसाले हैं, ये मैंने घर पे ही मसाले बनाए थे, मसालों को भी ऐड करना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। और हमारे मसाले भी देखिए अच्छे से तैयार हो गए, मसाला हमारा अच्छे एकदम परफेक्ट तरीके से बन गया। और अब इसी स्टेज पर हमें क्या करना है, डंडलों को इसमें ऐड कर लेना है। और इसे इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर, पानी हमें यहाँ सिर्फ थोड़ा सा ही ऐड करना है, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो ही ऐड करना है, क्योंकि हमने इसे पहले से ही उबाल के रखा हुआ था, तो हमें यहाँ पे इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें इसे ढक के 2 से 3 मिनट ही इसे ढक के रखना है, 2 से 3 मिनट में ही ये बन के तैयार हो जाए। थोड़ा सा हरा धनिया,
दो से तीन पिंच ये काली मिर्च का पाउडर है, और हाफ टी स्पून गरम मसाला, और इसे अच्छे से मिक्स कर। थोड़ा सा ये कसूरी मेथी है, कसूरी मेथी को हमें लास्ट में ऊपर से इस तरीके से ऐड करना है। इससे क्या है कि जो हमारी डंडल की सब्ज़ी है उसमें जो स्वाद आएगा एकदम उभर के आएगा। इस तरीके से अच्छे से मिक्स करना है, और मिक्स करने के थोड़ी देर बाद ही हमें क्या करना है, गैस को कर देना है बंद, और सब्ज़ी हमारे यहाँ पे बनके रेडी हो गई है। मिनटों में हमारे यहाँ पे गोभी के डंडल की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। ये देखिए, देखने में जितना लाजवाब लग रहा है ये खाने में उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। आप भी घर पर इस तरीके से जो आपकी गोभी होती है, और जो नॉर्मल सॉफ्ट तरीके से जो गोभी है, गोभी के डंडल होते हैं, इस तरीके से आप भी घर पर गोभी के डंडल की सब्ज़ी बनाएं। ये देखिए एकदम लाजवाब तरीके से मसाले वाले मसालेदार गोभी के डंडल की सब्ज़ी हमारी बनके तैयार हो गई है। ये देखिए एकदम लाजवाब और परफेक्ट तरीके से बन गई। आपको हमारी आज की गोभी के डंडल की सब्ज़ी की रेसिपी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरी मेहनत और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा सा ही पसंद आए तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि नई से नई रेसिपी सबसे पहले आपके पास आए। आज के रेसिपी में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई रेसिपी के साथ।